नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर की, पहले बात जयपुर शहर की। राजधानी जयपुर लोकसभा सीट आजादी के बाद से ही कांग्रेस विरोधी राजनीति की उपजाऊ जमीन रही है। इस सीट पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा बार हार का सामना करना पड़ा। देश को आजादी मिलने के बाद राजा रजवाड़ों का राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र लागू हुआ। ऐसे में राजपूताना गौरव के केंद्र राजस्थान में राजपूत समाज कांग्रेस के खिलाफ लामबंद हुआ। कांग्रेस के खिलाफ होने वाली इस लामबंदी का नेतृत्व जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी ने किया। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की जिसे जनसंघ और आरएसएस का समर्थन प्राप्त था। आजादी के बाद हुए जयपुर सीट पर कुल 16 चुनावों में और एक उपचुनाव में कांग्रेस महज 4 बार ही सीट जीत पाई, जबकि 7 बार बीजेपी का कब्जा रहा, 3 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार निर्दलीय ने कब्जा जमाया। इस बार भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद रामचंद्र बोहरा पर एक बार फिर दाव खेला है और कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल पर विश्वास जताया है। अनिल जी, देखिए ये सीट ऐसी है जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख वोट से जीती थी। जी, 5 लाख वोट से जीती थी। बहुत अंतर था, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत थी। और हारे थे महेश जोशी जो पहले यहाँ के सांसद थे उस वक्त। तो निवर्तमान सांसद को रामचरण बोहरा ने 5 लाख वोटों से हराया था। उस वक्त विधानसभा चुनाव हुए ही हुए थे और जयपुर की सभी सीटें बीजेपी के पास थी। जी, सिविल लाइन्स बीजेपी के पास थी। चतुर्वेदी वहाँ से एमएलए थे, मंत्री थे। नरपत सिंह राजवी एमएलए थे, कालीचंद सराफ मंत्री थे, एमएलए थे। मोहनलाल गुप्ता एमएलए थे, दिग्गज सुरेंद्र पारीक वो एमएलए थे। तो इस सब के बावजूद जब अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो भाजपा का ये गढ़ जयपुर सिटी जो राजधानी राजस्थान की, वहाँ पर 5 सीटें कांग्रेस ले गई और 3 सीटों पर भाजपा की विजय हुई, जिसमें कालीचंद सराफ की जीत को मतलब उनकी तो एक तरह से नैतिक हार तो है। 1600 वोट से जीते मात्र, बिल्कुल जी। इतना बड़ा दिग्गज इतनी बार जीता हुआ। और जो अर्चना शर्मा को कुछ नहीं मानता था, कई बार कई सभाओं में कई बार ऐसा उन्होंने कहा कि मेरे सामने क्या उनकी बिसात है, मात्र 1700 वोटों से हार जीत हुई है। अर्चना शर्मा ने बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा, नौजवान है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत सोबर जेंटल चेहरा है और उन्होंने पानी पिला दिया कालीचरण सराफ को इस चुनाव में। मैं एक उदाहरण बताना, एक घटना बताना चाहता हूँ कि मैं जब दैनिक भास्कर का चीफ एडिटर था राजस्थान में, तो उस वक्त कालीचरण सराफ हार गए थे, जौहरी बाजार सीट होती थी उस समय। तो भास्कर के मालिकों में से एक सुधीर अग्रवाल, जो बहुत नॉलेजेबल है पॉलिटिकली, उन्होंने सुनने के बाद मेरे को कहा अगर कालीचरण सराफ हार गया इसका मतलब कांग्रेस 150 आ रही है, मतलब कालीचरण सराफ की हार का मतलब बीजेपी की 50 सीट नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, इस बात के प्रतीक माने जाते थे। जी। तो मैं आज भी उस घटना को याद करता हूं कि इतना बड़ा दिग्गज कालीचरण सराफ हर परिस्थिति में जीतने वाला, वो 1600 वोट से जीता मात्र। तो क्या जयपुर की हवा पलटी? जयपुर भाजपा का गढ़, स्वतंत्र पार्टी का गढ़, इसने भवानी सिंह को अपने राजा को हरा दिया, जी। उसी राजमाता के बेटे को हरा दिया जो 3 बार जीती, जो 3 बार जीती गायत्री देवी के बेटे को, जी। भवानी सिंह को, जो राज परिवार के थे, राजा कहलाते थे उस समय, महाराजा और कर्नल मिलिट्री में रहके आए थे, लेकिन कांग्रेस के टिकट भी लड़े थे, जी। तो हार गए। सतीश चंद्र अग्रवाल दिग्गज यहां से केंद्र में मंत्री हुए, 77 में जीत के गए वित्त राज्य मंत्री। तो एक बार महेश जोशी जीते, एक बार पंडित नवल किशोर शर्मा जीते, बाकी गिरधारीलाल भार्गव 6 बार लगातार और जीतते चले गए, बड़े स्टॉलवर्ड, लेकिन कोई बड़ा काम उन्होंने नहीं किया। बस हर व्यक्ति की शादी में जाना, हर व्यक्ति की बैठक में जाना और मिलनसारिता उनका बड़ा गुण था जी। तो बीजेपी का इतना बड़ा नेटवर्क, संघ का इतना बड़ा नेटवर्क होते हुए जो 5 सीटें कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीती हैं, उनमें प्रताप सिंह खाचरेवास सिविल लाइन से जीत कर आए, मंत्री हैं इस वक्त, यातायात मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। महेश जोशी हवामहल से जीत कर आए, वो इस वक्त मुख्य सचेतक हैं सत्तारूढ़ दल के, चीफ विप है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनको। रफीक खान आदर्श नगर में, जिन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को हराया। मोहनलाल गुप्ता हार गए काजी से, अमीन कागजी से,
और नरपत सिंह राजवी जीत कर आ पाए, बैरून सिंह शेखावत के दामाद और नरपत सिंह राजवी, वो विद्याधरनगर से जीत पाए। वहां भी विक्रम सिंह ने कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ा था जी, तो ट्रेंगुलर फाइट जैसी हो गई थी, तो इसलिए वो वहां से जीत कर आ गए। और लालचंद कटारिया तो उनकी सीट झोटवाड़ा है, लेकिन शहर की सीट ग्रामीण में है जी, उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन अमीन खान जी ने मोहनलाल गुप्ता को हराया और बगरू में गंगा देवी जीती जी। तो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, 3 सीटें कालीचरण सराफ, नरपत सिंह राजवी और अशोक लाहौटी सांगानेर से जीत के आए थे, जो महापौर महापौर थे उस वक्त। लेकिन वहां भी चूंकि घनश्याम तिवाड़ी ने चुनाव लड़ा था और वो हार गए जी, घनश्याम तिवाड़ी और भारद्वाज दोनों मिलकर के इस वक्त कांग्रेस के साथ हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, तो इसलिए वहां भी अगर इन दोनों के वोट मिलाए जाए तो कांग्रेस बुरी स्थिति में नहीं है। तो ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया गया पूर्व महापौर को, एक तो उनका चेहरा बहुत परिचित सब जानते, डायरेक्ट चुनाव लड़ा था, जयपुर ने वोट दिया था उनको, ये खास बात थी उस चुनाव की। पार्षदों ने नहीं चुना था ज्योति खंडेलवाल को, शहर ने चुना था, शहर ने चुना था, एक बात थी। दूसरा वो परिचित और चेहरा चर्चित चेहरा। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भले से हो सकता है भाजपा जीत भी जाए गढ़ है तो, हालांकि अभी तो गढ़ ढह गया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन 5 साल सांसद रहने के बावजूद रामचरण बोहरा का चेहरा वैसा चर्चित और चिरपरिचित नहीं है जनता के लिए जैसा 5 साल महापौर रहने के कारण ज्योति खंडेलवाल का जी। इसलिए नाम नेम और फेम ज्योति खंडेलवाल के साथ है। हमारा ये सोचना है कि अगर वैश्य वर्ग में व्यापारी वर्ग जी, जाति को छोड़ दे, जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जवाहरात का बिजनेस यहाँ होता है, जवाहरात पर टिकी यहाँ की इकोनॉमी और रियल एस्टेट पर टिकी जयपुर की इकोनॉमी, रियल एस्टेट ढह गया, फ्लैट बिक नहीं रहे, कर्जे का ब्याज नहीं चुका पा रहे रियल एस्टेट के मालिक, और बर्बादी के कगार में पहुंच गया रियल एस्टेट। जवाहरात जिसके यहाँ पे 20 मजदूर कारीगर काम करते थे नगीने जड़ने का, उसके यहाँ 4 कारीगर रह गए, 16 बेरोजगार हो गए, जवाहरात का बिजनेस बिल्कुल नीचे ढलान पर खत्म। इन हालात में भी अगर वो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है जिसने जवाहरात का बिजनेस किया, जिसने रियल एस्टेट का बिजनेस किया, क्या वो मोदी मोदी करते हुए बीजेपी को वोट देता है या अपने बिजनेस के हालात के मद्देनजर, अपने इर्द गिर्द की परिस्थिति के मद्देनजर घर बैठा रहता है, नोटा पे देता है या नहीं देता है, बीजेपी लेकर कांग्रेस देता है, यह अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी बिल्कुल मुखर नहीं हुआ व्यापारी वर्ग, उसने मुंह नहीं खोला, जुबान नहीं खोली, बताया नहीं कि वो किधर जा रहा है। लेकिन ये व्यापारी वर्ग न केवल खुद बल्कि इनके यहां काम करने वाले लोगों को, काम कर चुके, नौकरी से निकाले जा चुके, काम से हटाए जा चुके लोगों पर बड़ा इसका एक तरह से गवर्नेंस, नैतिक गवर्नेंस है, इसलिए इस वर्ग का रोल काफी ज्यादा होगा। और 5 सीटें जिनमें कांग्रेस जीत कर आई है, वहां के चुने हुए विधायक अगर अपनी बढ़त को बरकरार रख पाते हैं जी, कांग्रेस की बढ़त को वैसी की वैसी रख पाते हैं जैसे विधानसभा चुनाव में थी, तो ज्योति खंडेलवाल रामचरण बोहरा के लिए बड़ा भारी सिरदर्द खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि कालीचरण सराफ भी मात्र 1600 वोट से जीते थे और सांगानेर की सीट पर हारने वाले 2 प्रत्याशी एक हो गए अब, पुष्पेंद्र भारद्वाज और घनश्याम तिवाड़ी। तो ये बात जितनी आसान लग रही थी, जयपुर की सीट तो गढ़े 5 लाख से जीती हुई। जी, ये पक्की जो आप बात कह रहे हैं ये भाजपा भी शायद मानती ही है, नहीं तो अगर इतना ही कंफर्ट होते वो इस सीट पर तो पीएम मोदी भी यहाँ सभा करने आए। प्रचार के अंतिम दिन वसुंधरा राजे जी ने खुद क्या कहते हैं पूरे शहर में रोड शो किया, कहीं ना कहीं वो भी इसको जी टफ तो मान ही रहे। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का आना जी बड़ी घटना है, जयपुर जैसी शहर जैसी सीट पर बुलाया जाना उनको, जिसको 5 लाख से जीते थे जी। अगर वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं होती, बीजेपी कंफर्ट जोन में होती तो क्यों बिल्कुल मोदी को यहाँ बुलाते, कोई और जगह सभा करते जी। लेकिन यहाँ बुलाया गया है और वसुंधरा राजे ने रोड शो किया, वसुंधरा राजे के करीबी है रामचरण बोहरा, ये टिकट वसुंधरा राजे का ही है और वसुंधरा राजे का रोड शो करना मोदी का ये प्रभाव छोड़ेगा, इसमें कोई दुराय नहीं जी। लेकिन जो हालात है और जो सवालात है, अगर हालात और सवालात के मद्देनजर लोगों ने वोट दिया तो ज्योति खंडेलवाल कड़ी चुनौती पेश करेंगी बीजेपी को, ऐसा मेरा मानना है। और मोदी मोदी के सम्मोहन में वोट पड़ा तो फिर पूरे देश में ही पड़ रहा है,
हर सीट पर, जैसा मोदी कह रहे हैं कि कमल पे बटन दबाओगे वोट मोदी को मिलेगा, तो कैंडिडेट तो गौण है, और यहां तो कैंडिडेट वैसे भी गौण है कि कैंडिडेट की वैसी आइडेंटिटी नहीं है पॉलिटिकल लीडर जैसी। बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, जमीनों का व्यवसाय करते हैं, ये करते हैं। और मैं खासतौर बताना चाहता हूँ, सांगानेर में कल परसों में ऐसी रैली हुई जो अप्रत्याशित थी, क्योंकि वहां भी जिनका जमीनों का बिजनेस है तो उस बिजनेस को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है जैन समाज के वहां लोगों में। तो अभी जयपुर की सीट जो बिल्कुल बीजेपी के खाते में मानी जाती थी पिछले चुनाव में 5 लाख जीती हुई जी। वो भी संघर्ष की स्थिति में नजर आ रही है। और अगर वैश्य वर्ग और व्यवसायी वर्ग, खासतौर पर वैश्य में भी व्यवसायी वर्ग कहना चाहता हूं मैं, व्यवसायी वर्ग अपने बिजनेस के हालात के मद्देनजर वोट देगा तो भाजपा के लिए सरदर्द हो सकती है यह सीट, ऐसा मेरा अनुमान है। कुल मिला के अगर हम कहें तो रामचरण बोहरा जी के पास जैसे और प्रत्याशियों के पास मोदी जी का कवच है वो है, लेकिन अगर हम ज्योति खंडेलवाल की बात करें तो एक तो महिला होना, दूसरा वैश्य वर्ग से आना और तीसरा जुझारू, ये तीन जो चीजें हैं वो उनके प्लस में उनके साथ जाती हैं।